पैदल यात्रा। सिरसागंज में महंगाई के विरोध में सपा ने निकाली पैदल यात्रा। पूर्व सांसद अक्षय यादव व एमएलसी दिलीप यादव सहित कई नेता व कार्यकर्ता व पदाधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान यात्रा में सपा नेता कार्यकर्ता हाथों में सरकार के खिलाफ महंगाई से जुड़ी तख्तियां, रसोई गैस के प्रतीक सिलेंडर थामे युवा भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। आदित्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। आज समाजवादी पार्टी सिरसागंज नगर में महंगाई के विरोध में एक पैदल यात्रा निकाली है। देखिए कितनी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, देखिए किस तरीके थानाध्यक्ष पुलिस बल के चल रहे हैं और पीछे समाजवादी पार्टी की एक पैदल यात्रा आ रही है। पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में या पैदल मार्च निकाला जा रहा है। देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तादाद में कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह, समाचार 24। समाजवादी पार्टी आज बढ़ती महंगाई के विरोध में सिरसागंज नगर में पैदल यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ पूर्व सांसद अक्षय यादव जी मौजूद है, ये बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की ये यात्रा मिली है? क्या देखिए जिस तरीके फिरोजाबाद में पिछले 3 महीनों में हजारों की संख्या में छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग डेंगू की मार से मरे हैं, पेट्रोल डीजल और जो रसोई गैस है उसके दाम आसमान को छू रहे हैं, किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, तो ये सरकार निकम्मी हो गई है। इसको हटाने के लिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं और जब तक ये सरकार हट नहीं जाएगी हम लोग इसी तरह सड़कों पर निकले रहेंगे। किस तरीके से लोगों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है? देखिए पूरे सिरसागंज से, गाँव गाँव से, बाजार से नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सब आए हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं इस सरकार को फेंकने के लिए। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज समाजवादी पार्टी सिरसागंज नगर में पैदल यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ दिलीप यादव जी मौजूद हैं, ये बातचीत करते हैं। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, आम आदमी परेशान है। समाजवादी पार्टी जन हित में, किसान के हित में, महिलाओं के हित में, छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अनुशासित रूप में ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में किसान इतना परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, 10 महीने से आंदोलन चल रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और पब्लिक ने ये मान लिया है कि 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी और उसी कड़ी में पब्लिक को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारी झांकी चल रही है, उसमें बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल रखी है, इसीलिए 100 रुपये पार कर गया है कीमत और हम लोग गाड़ी बैलगाड़ी से मारुति को खींच के चल रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी, गरीब आदमी सब परेशान है। ये सरकार पूंजीवादी को बढ़ाना चाहती है और गरीबों को गरीब रखना चाहती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी जन हित में, किसान हित में, गरीब हित में, छात्र हित में ये पैदल मार्च कर रही है। इस तरीके से जनता का सपोर्ट मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जनता सब समझ रही है, वक्त आने पर सही जवाब दे रही है।